दोस्तों आज तारीख 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी आम महोत्सव 2024 में हिस्सा लिया। जापान को भेजा गया 15 टन आम और इस आम महोत्सव में मुख्यमंत्री बोले कि दुनिया के बाजार में अब यूपी का आम छा जाएगा, ऐसे प्रयास करें, सरकार आपके साथ है। और दोस्तों लखनऊ के इस आम महोत्सव में 1.5 किलो का आम भी प्रदर्शनी का केंद्र रहा। अमेरिका में बिका 900 रुपए किलो आम। सीएम योगी बोले कि पूरी दुनिया में भेजेंगे यूपी का आम। चलिए अगली खबर देखिए, इलाहाबाद जज को अब सर कहेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील। बार एसोसिएशन ने माई लोड और योर लोड सिर्फ न बोलने का प्रस्ताव पास किया। आपको बता होगा पिछले 2 दिनों से इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील अपनी कुछ इन्हीं मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, तो आखिरकार बार एसोसिएशन के बीच ये प्रस्ताव पास हो चुका कि जजों को अब सर बोला जाएगा, जो मी लोड माई लोड कहा जाता है वो अब नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रस्ताव के साथ ही हाईकोर्ट के वकीलों ने कार्य बहिष्कार भी स्थगित कर दिया। अब वापस वो अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, हाथरस भगदड़ हादसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, कहा कि आप हाईकोर्ट जाएं। याचिका में जांच कमेटी की मांग भी की गई थी। इधर हाथरस में भी अब भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे और बोले कि मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। और देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में विकराल हुआ बाढ़ का कहर। 16 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 54 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है, जिनमें से ज्यादातर लोगों की मौतें बिजली गिरने की वजह से हुई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रबंधन में लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है। श्रावस्ती में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने वाली महिला और पीएसी जवानों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये देखिए जरा तस्वीरें कुछ पीलीभीत के लोगों का कहना कि 6 साल बाद ऐसी त्रासदी, ऐसा जल प्रलय हमने देखा है। 150 से ज्यादा गाँव में पीलीभीत में बाढ़ का कहर देखा जा रहा। रास्तों पर भी 5-5 फीट तक पानी भरा। हालात ये है। गोरखपुर में भी देखिए बाढ़ का खतरा और बढ़ गया। खतरे के निशान को पार कर गई राप्ती नदी। 24 गांव डूबने के कगार पर हैं। और ये वीडियो देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के 150 गांव में ड्रोन का एक वीडियो सामने आ रहा। हर तरफ पानी पानी, स्कूल कॉलेज सड़कें सब कुछ डूब चुकी हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी उत्तर प्रदेश का मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, यूपी में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 पशु सखियों को किया जाएगा प्रशिक्षित। प्रदेश के 25 जिलों में यह कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किसानों की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये जागरूकता कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया और अफसरों को निर्देश दिया कि फरियादियों की सुनिए, संवाद और यथोचित कार्यवाही कीजिए। और आम जनहित के लिए योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, सांप काटने से मौत होने पर भी आश्रितों को अब 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इससे पहले योगी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को भी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी ना। चलिए अगली खबर देखिए, लैब टू लैंड नारे को साकार कर रही है यूपी सरकार। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे कृषि विज्ञान केंद्र। यूपी में कृषि विज्ञान केंद्रों के निर्माण के लिए 18 केंद्रों का चयन किया गया है और चयन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अलग कृषि विश्वविद्यालयों से संबंध में ये केंद्र प्रदेश के हर क्षेत्र में हो। खेती बाड़ी और इससे जुड़े सेक्टर्स की तरक्की के लिए योगी सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। और वहीं देखिए दोस्तों एक दुख भरी खबर, ब्लड कैंसर को तो मात दी लेकिन रील बनाने के चक्कर में जान गंवाई। वाराणसी में अभी एक दिन पहले 3 दोस्तों की बाइक में रील बनाने के चक्कर में बस की टक्कर में जो जान चली गई थी, तो एक दोस्त की माँ बोली कि बात मान लेता तो जिंदा होता। ये बात है दोस्तों 11 तारीख की, जगह वाराणसी में रोहिणिया। 3 लड़के KTM बाइक लहराते हुए इंस्टाग्राम पर रील बना रहे थे, तभी सामने से अचानक बस आ गई और बाइक चला रहा युवक कंट्रोल खो बैठा और बस से बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 दोस्तों की जान चली गई, जबकि इनमें एक दोस्त जो है ना ये शिवम बीच वाला, ये अभी सिर्फ 16 साल का था। और इसके परिजनों का कहना कि 8 साल की उम्र में इसे ब्लड कैंसर की बीमारी हो गई। पता चला हम लोगों ने BHU में 3 साल इलाज करवाया, उसका कैंसर का इन्फेक्शन खत्म हो गया, लेकिन जिंदगी के महज 8 साल बाद ही अब ये बाइक पर रील बनाने के चक्कर में जान गंवा बैठा। दोस्तों जिंदगी में कभी ऐसी लापरवाही ना करें। मैं आपको आए दिन इसी खबर बताता रहता हूं ताकि हम सावधान रह सके। चलिए अगली खबर देखिए, महाकुंभ 2025 में लागू होगा डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम। सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी के लिए AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन ऐप भी बनाया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। अभी इससे पहले हाल ही में आपको बताऊंगा शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए भी डिजिटल अटेंडेंस का सिस्टम, जो ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम लागू किया था, तो प्रदेश भर में शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि अब इस मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस में आ रही दिक्कतों को जल्द से जल्द पूरा करें और जो टीचर ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे उनकी सैलरी रोकने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो का समय 30 मिनट बढ़ाया गया। 15 जुलाई से यह नया शेड्यूल लागू होगा। रोजाना 80,000 यात्रियों को इससे फायदा मिलेगा और ये समय बढ़ोतरी के बाद अब मेट्रो की टाइम टेबल क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। वहीं देखिए प्रदेश में रेल कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम के विरोध में भी प्रदर्शन किया। लखनऊ में गेट मीटिंग के बाद रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन DRM को सौंपा। और खबर है, गौतम बुद्ध की थीम पर बनेगा नोएडा का बुद्ध पार्क। 32 एकड़ में इसे बनाया जाएगा। 100
फीट ऊंची होगी मूर्ति, 80 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। वहीं खबर देखिए, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका की शादी में दिखाई दी मिनी काशी। सहनाई से मेहमानों का स्वागत किया, बच्चों के साथ पहुंचे डिंपल, अखिलेश यादव, रवि किशन ने पान भी खाया। और बड़ी खबर देखिए, एक्सिस बैंक के MD समेत 3 पर लखनऊ में FIR दर्ज हुई। 12 साल बाद दर्ज हुआ ये मुकदमा, एक कंपनी को 30 करोड़ के लोन देने का मामला है। चलिए खबर है, ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर अब छूट मिलेगी। अलीगढ़ में नगर निगम ने दी उपभोक्ताओं को राहत, 31 जुलाई तक शहरवासी इसका लाभ ले पाएंगे। संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स पर ये छूट दी गई है। और वहीं देखिए, आज 10 लाख लोगों को कानपुर में पानी नहीं मिलेगा। लीकेज के चलते गंगा बैराज प्लांट भी बंद कर दिया गया है। 50 मोहल्लों में 4 दिन तक नहीं आएगा पानी। तकरीबन 10 लाख लोगों के लिए जलापूर्ति बंद रहेगी, क्योंकि मेन राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से 6 करोड़ लीटर पानी की जलापूर्ति ठप हो गई है। और वहीं देखिए खबर, राज्य स्तरीय 13 चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन आज से होने जा रहा। इसमें प्रदेश भर के 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 16 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश तैराकी संघ की देखरेख में ये 38वीं सब जूनियर और 53वीं जूनियर उत्तर प्रदेश राज्य तैराकी चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। सरोजनी नगर स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्रीय केंद्र साई लखनऊ के अंदर इसका आयोजन होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, लखनऊ में एक नया अनोखा तरह का टैक्स लागू होने जा रहा। जनरेटर रखने वाले व्यापारियों से ये टैक्स वसूला जाएगा। नगर निगम के सभी 8 जोन में सर्वे किया गया। 3000 रुपए सालाना शुल्क देना पड़ेगा अगर आपने दुकान या शोरूम के लिए जनरेटर रखा तो। ये अलग से टैक्स लागू हो चुका है। और खबर देखिए, माँ वैष्णो देवी का दर्शन करना अब आसान हुआ। गोरखपुर के रास्ते गुवाहाटी से कटरा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे की तरफ से ये नई सुविधा दी गई है। वहीं देखिए, अयोध्या में 14 जुलाई से होगा सिंधी सम्मेलन का आयोजन। राजस्थान की सिंधी सेनाई के साथ डांडिया खेलकर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और खबर है, स्मृति ईरानी के बचाव में उतरे राहुल गांधी। लिखा, जीवन में हार जीत तो होती रहती है, किसी को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है। चलिए खबर है, पौधारोपण के लिए पहले से ही तैयारी कर ले पूरी। बलिया के DM बोले कि 20 जुलाई को 40,65,000 पौधे लगाने का हम सबका लक्ष्य है और इसे पूरा करना है। और खबर देखिए, आगरा में अग्निवीर रैली भर्ती के चलते रूट डायवर्जन किया गया। 13 जुलाई से आज से ही यह डायवर्जन लागू होगा, 1 अगस्त तक लागू रहेगा। किन किन रूट पर भारी वाहनों का आवागमन नहीं होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना खबर, कैप्सूल ट्रक ने रोडवेज बस को मारी ट्रक, बस को घसीटता ले गया कैप्सूल। बस में 47 सवारी मौजूद थी। एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ बताया जा रहा। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में अभी तक किसी की जान नहीं गई, कुछ लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है। और खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनवाने की मांग की गई। विधायक ने श्री दाऊजी महाराज मंदिर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की भी मांग की। चलिए खबर देखिए दोस्तों, वाराणसी BHU में शुरू हुआ CCI लैब। पहली बार 300 से ज्यादा जांच आप एक ही स्थान पर कर पाएंगे। और सबसे अच्छी खास बात है, 24 आवर्स इसका संचालन होगा। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ये नया CCI लैब बनाया गया है। और हिम्मत हौसले से बड़ी खबर देखिए आप, फटे जूते में दौड़ने वाली सहारनपुर की प्राची अब ओलंपिक में दौड़ेगी। 2019 में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रैक्टिस छोड़ दी थी। 2 साल बाद एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये सहारनपुर की बेटी प्राची चौधरी पेरिस में हो रहे इस बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही है। मैंने कांग्रेट्स और बेस्ट ऑफ लक इनको हम सब की तरफ से भी, प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए। चलिए खबर है, हापुड़ में 400 CCTV कैमरों के जरिए कांवड़ियों की निगरानी की जाएगी। 5 जोन और 17 सेक्टर में जिले को बांटा गया। पल पल की खबर जुटा रहा खुफिया विभाग। वहीं देखिए, आगरा के इत्मादोला और ट्रांस यमुना क्षेत्र में बदलाव किया जाएगा। अब ट्रांस यमुना थाने में आएगी ट्रांस यमुना चौकी, जल्दी ये नई व्यवस्था लागू होगी। और वहीं देखिए दोस्तों, हाल ही में जो एक शहीद जवान का मामला सामने आया, तो शहीद अंशुमान के पिता बोले कि बेटा तो शहीद हो गया, अब बहू ने भी साथ छोड़ा, हमारी आंखें भरी पर हाथ खाली है। अंशुमान की पत्नी को हाल ही में आपको बता होगा कीर्ति चक्र भी दिया गया था, तो वो कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई, ये उनके ससुराल वालों का कहना। देवरिया में कैप्टन अंशुमान की माँ बोले कि बहुएं भाग जाती हैं। स्मृति ने जवाब दिया कि जिसकी जैसी सोच। और खबर है, अंबेडकर नगर में जल्द शुरू होगी इलेक्ट्रॉनिक बसें। 50 बसों को मंजूरी दी गई। टांडा बनेगा चार्जर पॉइंट। अयोध्या, प्रयागराज, बस्ती व लखनऊ के लिए भी ये सुविधा मिल पाएगी। और चलिए दोस्तों, अब अपना आज के प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिए। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। चलिए हम मौसम के हालातों की बात करें थे, तो अभी प्रदेश में बाढ़ के चलते कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हैं। 350 से ज्यादा बसों के पहिए भी थमे हुए हैं। बारिश की वजह से काफी ट्रेनें भी कैंसिल हो गई हैं। और यूपी में बाढ़ के हालात देखिए आप, कई नदियां उफान पर चल रही हैं। सरयू, राप्ती, शारदा, कर्रा नदियां सब फुल लबालब भरी हुई हैं। सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। शहर के अंदर तक पानी घुस गया प्रदेश के कई जिलों में। वैसे तो बाढ़ और बारिश से देश के कई इलाकों में तबाही बची हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 800 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। और आज भी यूपी के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ, वाराणसी में भी झमाझम बरसात होगी, तो जरा सावधान रहिएगा। ये देखिए जरा कुछ हालात, यूपी के तो 800 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट तक पानी भरा हुआ। बद्रीनाथ रूट पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 4,000 से ज्यादा श्रद्धालु भी फंसे हुए हैं। लखनऊ
लखनऊ की भी तस्वीरें देखिए, कई इलाकों में बारिश के चलते पानी भरा हुआ। शाम को बरसात से राहगीरों की समस्या बढ़ी। आज और कल 14 जुलाई को भी लखनऊ में भारी बारिश का अलर्ट है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यह ऐलान करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया। ये दिन इसलिए घोषित किया गया क्योंकि 1975 में 25 जून को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। यही वजह है कि अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये भारत का राजपत्र करके एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों 25 जून 1975 को रेडियो के जरिए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी और उस दरमियान देश में आम लोगों के साथ कई अत्याचार हुए, जबरन नसबंदी कराई गई, संविधान और कानून की मानव हत्या सी कर दी गई थी। यही वजह कि इस दिवस को केंद्र सरकार की तरफ से संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। पीएम मोदी बोले कि संविधान हत्या दिवस ये याद दिलाएगा कि जब संविधान को रोंदा गया तो क्या हुआ था। कहानी आपातकाल के 25 जून 1975 उस वक्त क्या क्या हुआ था। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि इस घटना को लोकतंत्र पर काला धब्बा के रूप में कहा जाने लगा। खैर, अभी केंद्र सरकार के इस फैसले का विपक्ष भी विरोध कर रहा। देखिए आप, केंद्र पर भड़का विपक्ष, 10 सालों से सरकार हर दिन बना रही संविधान हत्या दिवस, ये बयान भी दिया। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया। ये एक नया फीचर है जो आपको पीएनबी की नेट बैंकिंग में मिलेगा ना। और खबर है, अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए 4400 से ज्यादा श्रद्धालुओं का 15वां जत्था जम्मू कश्मीर से रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 जुलाई को मुंबई जाएंगे। यहां 29,400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आजकल बरसात के दिनों में आई फ्लू के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। स्पेशली राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में एडवाइजरी जारी की गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लक्षण और बचाव के उपाय भी बताए हैं। ये देख सकते हैं आप, आई फ्लू के लक्षण क्या है। आंखों में खुजली होना, लाल होना, आंखों से पानी आना, पलकों का सूज जाना वगैरह वगैरह। और इससे बचाव के उपाय क्या है, ये टिप्स अपनाएं आप। आंखों को साफ पानी से धोएं, चश्मा वगैरह पहने, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत के विकास दर पर अच्छी खबर देखिए। आने वाले कई सालों तक 7% की रफ्तार से बढ़ेगी इंडियन इकोनॉमी। नीति आयोग के अरविंद वीरवानी की तरफ से यह दावा किया गया और सरकार ने व्यापारियों को भी एक बड़ी राहत दी है। GSTR 1A अधिसूचित बिक्री रिटर्न फॉर्म भरने से पहले अब व्यापारी इसमें संशोधन यानी कि बदलाव करवाएंगे और इससे गड़बड़ियां गलतियां कम होगी, है ना। और भारत ने एक और नई उपलब्धि हासिल की। देखिए चीन को छोड़ा पीछे इस मामले में, दुनिया के दो देशों की GDP से भी ज्यादा बड़ा एक ही बिजनेस हो चुका भारत का, और वो है दोस्तों रियल एस्टेट का सेक्टर। जी हां, भारत का रियल एस्टेट सेक्टर अब चीन से भी आगे निकल चुका है। रियल एस्टेट सेक्टर का कुल मार्केट कैप ओमान और श्रीलंका की संयुक्त GDP से भी ज्यादा हो गया। $1 अरब से भी ज्यादा वैल्यू हो गई इंडिया रियल एस्टेट मार्केट की। चलिए खेल जगत से अच्छी खबर आ रही, भारत और पाकिस्तान के बीच इस दिन खेला जाएगा महामुकाबला और दर्शकों को स्टेडियम में फ्री एंट्री भी मिलेगी। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच ये महिला एशिया कप का खेल 19 जुलाई को हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। इसका आयोजन श्रीलंका में हो रहा और इसमें सभी क्रिकेट फैंस को फ्री एंट्री दी जाएगी, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से एक और खबर आ रही, एक्सिस बैंक में 15 जुलाई तक माइग्रेट हो जाएगा सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, तो आप टेंशन ना लें, ग्राहकों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। आपको वो सभी क्रेडिट कार्ड के फायदे मिलते रहेंगे जो अभी मिल रहे हैं। और एक्सिस बैंक के साथ ही HDFC बैंक और एक्सिस दोनों बैंकों के करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर आई है। आज रात से इतने समय तक बंद रहेगी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं। HDFC की सेवाओं के बारे में तो मैंने आपको पहले भी जानकारी बताई थी, लेकिन एक्सिस बैंक के ग्राहकों को बड़ी परेशानी हो सकती है इस वीकेंड। 12 जुलाई रात 10 बजे से लेकर 14 जुलाई सुबह 9 बजे तक एक्सिस बैंक की काफी सेवाएं अनुपलब्धित रहेगी यानी कि बाधित रहेगी, जिसमें IMPS, RTGS, NEFT वगैरह काफी सेवाएं प्रभावित होगी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, इंडियन रेलवे की नई पहल, अब सभी का मुफ्त इलाज कराएगा भारतीय रेलवे, चाहे आप यात्री हो या ना हो। दरअसल रेलवे की तरफ से हाल ही में एक नया नियम लागू किया गया जिसके मुताबिक अगर कोई ट्रेन, रेलवे स्टेशन या पटरी के परिसर के आसपास किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी अब भारतीय रेलवे की होगी। रेलवे की प्राथमिकता होगी कि घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज कराएं। ये खास नियम क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काफी दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत भी किया, कहा सत्यमेव जयते। हालांकि इस जमानत के बावजूद भी अभी भी केजरीवाल जेल में रहेंगे क्योंकि ईडी केस में तो उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जो CBI का केस अलग चल रहा उस मामले में उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। और ये जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं रहना ये CM केजरीवाल खुद तय करें। लेकिन इधर राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका लगा, CBI केस में अब उनकी न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है ना। तो मतलब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अभी 25 जुलाई तक वो न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। और दिल्ली के CM केजरीवाल के PA को भी जमानत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको राहत देने का कोई ग्राउंड नहीं है। CM का PA जो हाल ही में स्वाति मालीवाल के साथ आम आदमी पार्टी सांसद के साथ मारपीट की थी, थप्पड़ वगैरह मारे थे, तो यही वजह है कि अभी उन्हें जमानत नहीं दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को हुआ कोरोना और इस वजह से वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी नहीं गए। एक्टर ने खुद को आइसोलेट भी कर लिया, हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बाकी दूसरे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अनंत राधिका की शादी में गए, खूब नाच गान किया, डांस किया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनंत राधिका की शादी भी आज रात संपन्न हो चुकी है। अनंत राधिका दोनों ने
एक दूसरे को वरमाला पहनाई, दुल्हन ने खास अंदाज में एंट्री ली। इनकी शादी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, फडणवीस, लालू यादव समेत कई राजनेता भी पहुंचे। देर रात अनंत राधिका ने जयमाला पहनाने के बाद सात फेरे भी लिए। मैनी कांग्रेस इन दोनों को नए जीवन की शुरुआत के लिए। चलिए अगली खबर देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केवल संदेह के आधार पर किसी से भी नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। और खबर है नीट एग्जाम केस में आरोपी गंगाधर गुंडे को जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने कहा कि एक जैसे नाम की वजह से गलत व्यक्ति को पकड़ लिया गया। वैसे नीट मामले पर अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को होगी। और नीट के बाद जो दोस्तों यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल किया था ना, उस पर भी सरकार का कहना कि यूजीसी नेट के नाम से एक फेक क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर वायरल हुआ था और ये वजह कि सरकार ने इस परीक्षा को कैंसिल किया। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A 15 अगस्त तक मिल पाएगा। अमेरिकी कंपनी सितंबर अक्टूबर से GE-404 इंजन की सप्लाई करेगी और इससे एडवांस रडार और सेल्फ डिफेंस की क्षमता भारत की और बढ़ेगी। भारत के डिफेंस सेक्टर पर एक और अच्छी खबर आ रही, एक डिफेंस PSU के लिए गुड न्यूज है। DRDO के साथ मिलकर बनाएगी एस्ट्रा आर्म के सेकंड मिसाइल। 3,000 करोड़ की ये डील होगी। और खबर देखिए, जियो फाइनेंशियल को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी मिल चुकी है। और दोस्तों ये मंजूरी मिलने के बाद अब आपको जियो फाइनेंशियल पर कुछ नई सेवाएं भी मिलेगी, जैसे इंश्योरेंस ब्रोकिंग, डिजिटल बैंकिंग, UPI पेमेंट और लोन सर्विस समेत कई नई सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे आप, है ना। चलिए हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। फ्लाइट के सफर के दौरान अब आपका लगेज खोने यानी कि सामान खोने का डर नहीं रहेगा। एयर इंडिया की तरफ से रियल टाइम बैगेज ट्रैकिंग सर्विस शुरू की गई है, जिससे कि पैसेंजर अपने मोबाइल ऐप के जरिए आपके सामान को लाइव ट्रैक कर पाएंगे आप खुद, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है। व्हाट्सएप पर आपको एक नया फीचर मिलेगा, ट्रांसलेशन का फीचर। गूगल ट्रांसलेशन इंटीग्रेशन करने जा रहा है व्हाट्सएप अपने चैट में, जिससे कि आप किसी भी मैसेज को रन टाइम पे ट्रांसलेट कर पाएंगे। और खबर आ रही, देश में सरकारी कर्मचारी अब अर्थ पे कमीशन की मांग करने लगे। और अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अंत में दोस्तों महंगाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो देखिए आप, खाने पीने की चीजें और ज्यादा महंगी हुई, जिसके चलते पिछले महीने जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.08% पर पहुंच चुकी है और ये रेट पिछले 4 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। खाने पीने का सामान काफी महंगा हुआ ना, अभी हरी सब्जियां वगैरह कितनी ज्यादा महंगी चल रही है आपको पता ही होगा। ये देख सकते हैं आप अप्रैल मई जून के डेटा भी, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।